भी आज रे हो गोवर्धन महाराज, हो गोवर्धन महाराज महाराज, नचलनी नानी नानू नचलनी दे, ओ नचलनी नानी नानू नचलनी दे, हरे 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 हरे, ओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और भिवानी के कम्युनिटी सेंटर के सामने से एक बड़ी अपडेट आपके साथ लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, हर कोई जो भी यहां पर मौजूद है आप एक बार पीछे दिखा दें, दरबार सजा हुआ है, पंडाल सजा हुआ है और लोग जो भी यहां पर श्रद्धालुगण आए हैं वो सिर्फ एक ही नारा एक ही नाम एक ही जाप कर रहे हैं, जय श्री राधे का। महाराज जी हमारे साथ जोगी वाला मठ से। महाराज जी, हिंदू संस्कृति में सनातन धर्म में हिंदू तो राधा नाम जपते थे, शिव का नाम जपते थे, अब दूसरी संस्कृतियों के लोग भी राधा रानी के या फिर श्री कृष्ण भगवान के नामों में खोने लगे, आपने देखा यहाँ पर, क्या कहेंगे? ऐसा है, आदि अदानी से भगवान शिव के आराधक, भगवान विष्णु के अवतार पूर्ण रूप में, भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार दिया, उसी शक्ति रूप का जो रूप है राधा रानी, उसी ने धारा का जो हमारी आत्मा से और परमात्मा का जो मिलन करती है, तो राधा के स्वरूप में भगवान शंकर ने जन्म लेकर के हमारी उसमें राधा और राधिका कृष्ण का मिलाप जो हो रहा था, आत्मा का चेतनता शिव शक्ति का जिस प्रकार जोड़ा था उसके राधा रानी की ही हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। इसलिए पूरे विश्व के अंदर और पूरी जागृति के अंदर जो राधा रानी का नाम जाप करके पूर्ण अक्षर में जो 16 अक्षर का नाम हरे राम हरे कृष्ण राधा राधा का नाम लेते हैं, उससे हमारी आत्मा की शुद्धि होती है और शरीर के हरेक प्रकार के विकार दूर होते हैं और पूर्ण रूप से हम मन चित्त वृत्ति को शुद्धिकरण करके और परमात्मा की आराधना करते हैं। इसलिए भी पूरे विश्व में यदि शांति का स्वरूप है तो भगवान के नाम के आधार से ही होती है, क्योंकि और जितने भी हम विचारधारा से को करते हैं तो हमारे कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर ही पा रहा, तो जब तक हम भगवान का नाम आराधना हमारी अंतरात्मा से नहीं लेंगे तब तक हमारी आत्मा और विचार शुद्ध नहीं होंगे। इसलिए पूर्ण रूप से आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है ये राधा रानी के संगठन से पूर्ण रूप से किया गया, इसमें भगवान की आराधना से कीर्तन से बड़ा और कोई भजन नहीं है। हमारे साथ पूर्व में चेयरमैन रहे विजय पंचगांव जी मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को देख करके? और सबसे बड़ी बात कहें, यहाँ पर बुजुर्ग तो सत्संग या कीर्तन सुनने जाते ही थे, युवा भी नाच रहे थे, और हरियाणवी की बात कर लें, हिंदुस्तानियों की बात कर लें, विदेशी लोग भी नाच रहे हैं राधा रानी के नाम पर श्री कृष्ण के भजनों पर। सबसे पहले तो जो आज वृंदावन से जो टीम आई है इन सभी भगवान के भक्तों को मैं भिवानी छोटी काशी की तरफ से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा और इस पवित्र धरा पर पहुँचने पर उनका भिवानी निवासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं और मैं उस राधा रानी सेवा समिति के सभी सदस्यों का और सेक्टर निवासियों का उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने इस शहर में इस तरह के प्रोग्राम करा करके जिससे हर आदमी के अंदर जो ऐसी भगवान के प्रति जो श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, इस तरह के प्रोग्राम मैं तो कहता हूँ साल में 6 महीने में होने चाहिए और इस तरह के प्रोग्राम करते रहें। अंत में मैं सारी समिति को और इनके जितने भी सहयोगी हैं इन सभी का हमें हार्दिक स्वागत करते हैं और इनका धन्यवाद भी करते हैं। पूर्व में इन्हें लोग प्रत्याशी रहे, हमारे साथ अनिल काठवालिया जी हैं। काठवालिया साहब, क्या कहेंगे जिस प्रकार से आज ये भक्ति रस में डूबा है पूरा भिवानी का, सेक्टर की बात करें या दूसरे क्षेत्र के लोग हैं? पूरा भिवानी शहर छोटी काशी के नाम से जाना जाता है और भिवानी में आए दिन ऐसे धर्म के जो कार्य हैं सत्संग हैं होते रहते हैं। मैं तो परम पिता परमात्मा से यही निवेदन करूँगा कि हे परम पिता परमात्मा, हमारे भिवानी के प्रत्येक नागरिक में ऐसी भावनाएँ करे कि हर दिन ही ऐसे कीर्तन हो। मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से सभी इन जो समिति के मेंबर हैं उनका तय दिल से धन्यवाद करता हूं और परमात्मा इसी तरह से इन पर रहम बरसाए रखे। लोग और मौजूद हैं और इनसे हम चर्चा करेंगे, हसदीप डुडेजा हैं, स्पेशली पार्षद हैं और समाज सेवी भी हैं, तो इनसे भी चर्चा करेंगे जानेंगे। आज इस संकीर्तन में बात करें तो शहर के प्रसिद्ध हस्तियाँ तो पहुँची ही हैं, दूसरी तरफ बात करें हर पार्टी के लोग मौजूद थे,
ये प्रोग्राम, मैं हरदीप जी आपसे भी बात करूँगा, ये प्रोग्राम कैसे सुचारू रूप से चला और लगातार 5-6 घंटे राधा नाम में ही डूबे रहे? ये असल में हमारे के ये तीन बार कर लिया हमने ये प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम अपने आप ही कामयाब, पहले हमने जोर लगाया, अब की बार तो हमने कोई ऐड नहीं की, पहले ऐड भी की थी और अब भगवान की कृपा से या एक तरह से बहुत हुए हैं। हरदीप जी, मैंने शुरू में ही जैसे कहा कि आज हर पार्टी का व्यक्ति यहाँ पर दिखाई दिया, तो भगवान का नाम जब आता है तो लोग राजनीति से परे हो जाते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर झूम रहे थे लोग, इंडियन की तो बात करूँ ही करूँ, फॉरनर भी राधा रानी या श्री कृष्ण के नाम पर झूम रहे। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, भिवानी जो कि छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, आपने देखा सेक्टर 13 में हमारे छोटे भाई धीरज कक्कड़ जी द्वारा, उनकी पूरी टीम द्वारा, श्री राधा रानी सेवा दल मंडल है, उन्होंने ये इतना अच्छा कार्यक्रम जो भजन संध्या रखी, काबिले तारीफ थी। आपने देखा कि हिंदुस्तान की संस्कृति को देखते हुए आज विदेशों से आके बसे वृंदावन पर, आपने देखा USA, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, कहां कहां से जो भक्त हैं श्री राधा रानी के कीर्तन करने के लिए किसे झूम रहे थे, उन्होंने पूरा भक्तिमय माहौल बनाया भिवानी को। लगातार दूसरा तीसरा प्रोग्राम चल रहा है श्री राधा रानी सेवा मंडल द्वारा, ये 2 साल कोरोना काल के कारण जो आपने देखा माहौल ख़राब थे, ये प्रोग्राम हो नहीं पाया क्यों, कोरोना का महाकाल था, भीड़ इकट्ठी कर नहीं सकते थे। लगातार ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं। अब आपके सेक्टर 13 में आप देखेंगे कि पूरे भिवानी से, आसपास के गांव से सभी लोग इस सत्संग में आए थे और सभी ने यहां पर आनंद लिया। तो हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश रहेजा जी, BJP के वरिष्ठ नेता हैं भिवानी से और एडवोकेट हैं प्रसिद्ध, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? आज जिस प्रकार से लोग नाच रहे थे राधा रानी और श्री कृष्ण की भक्ति में, अच्छा प्रोग्राम सेक्टर 13 में हुआ है आज राधा रानी के नाम, एक शाम राधा रानी के नाम। एक ही बात है कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म से जुड़ना चाहिए, अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहिए, हमारा सबका मकसद यही है, और हिंदू तरफ तो आपको पता ही है इन चीज़ों में सबसे आगे रहता है। तो आज उसी की कुछ एक प्रोग्राम किया हमारे धीरज जी ने सेक्टर 13 में, एक शाम राधा रानी के नाम, और ये एक बाहर से टीम आई है, उन्होंने एक अच्छा आयोजन किया है, लोगों को मस्त किया है और लोग बड़े ही आनंदित होकर इस प्रोग्राम से जा रहे हैं। आज जोड़ी के रूप में पहुंचे हो पंडाल में, लोग नाच रहे थे और आप लोग भी नाच रहे थे राधा रानी के प्रेम में, आपने कृष्ण लिखवाया राधे राधे ही तुम? हाँ, हम राधे राधे ही है जी। क्या कहेंगे आज इस कार्यक्रम में, महिलाओं की जो भीड़ थी वो काफी ज्यादा थी और महिलाएं धर्म के साथ ज्यादा, हाँ जी, जुड़ी हुई हैं महिलाएं और बहुत आनंद ले रही थी। जैसे एक उत्सव मनाया जाता है ना राधा कृष्ण के लिए, उस रूप में मनाया जा रहा था यहाँ, हमें बहुत अच्छा लगा, हमने भी पूरा एंजॉय किया। देखा किस प्रकार से यहाँ पर लगातार लोग भक्ति रस में डूबे हुए थे, जिस प्रकार से राधा रानी या श्री कृष्ण के भजनों की जो ये संध्या स्पेशली यहाँ पर एक शाम राधा रानी के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा और भिवानी के सिवाय यहाँ पर फॉरेन से भी ऐसे श्रद्धालु या भक्त आए थे जो कि नाच रहे थे लगातार और श्री कृष्ण प्रेम में डूबे हुए थे, जो भक्ति रस की भावना यहाँ पर आपको दिखाई दी। कमेंट बॉक्स में आप भी लिख सकते हैं राधा रानी के नाम से या भिवानी के इस प्रोग्राम के नाम से आपको कैसा लगा, और भिवानी में पहली बार फॉरनर्स का इस प्रकार से म्यूजिशियन जो ये हैं, एक स्पेशल बैंड है जो कि विदेशों में ज़्यादातर ये प्रोग्राम करता है, लेकिन भिवानी में पहला ऐसा अनोखा प्रोग्राम था जिसमें फॉरनर्स और वो भी हरियाणवी लोगों के बीच में हिंदी में भजन गा रहे थे श्री कृष्ण। तो आप देख सकते हैं श्री कृष्ण की भक्ति के रस में कोई भी कहीं से भी हो, एक बार डूब जाता है तो निकल नहीं पाता। इस वीडियो के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आप किसकी भक्ति करते हैं और भिवानी में श्री कृष्ण की इस प्रकार की जो सत्संग या लोगों का मिलन रहा आपस में इस कार्यक्रम के रूप में, उसके बारे में क्या सोचना है। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय।